मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ करनैल सिंह संधु, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टांगनो। तो आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के ज्योग्राफी पोर्शन का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ड्रेनेज यानी कि अपवाद तंत्र। तो इस चैप्टर को आरंभ करने से पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो ठंडा पानी हमें पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने फ्रिज के अलावा हम अगर अपने आसपास देखेंगे तो हमें ठंडा पानी का जो स्रोत है वो कहाँ से मिलेगा। तो जो हमारे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल के, सभी डिस्ट्रिक्ट में से कोई ना कोई छोटी या बड़ी नदी तो अवश्य बहती होगी। तो उस नदी के पास जाइएगा, देखिएगा कि वो नदी का स्रोत कहाँ से आता है या वो नदी कहाँ जाती है, उस नदी में कितनी नदियाँ आकर मिलती है, वो नदी कहाँ से निकलती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हम आज इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप मैप में भी देख रहे हो, बहुत सारी नदियां इस मैप में बनी हुई हैं। आपकी बुक में भी यह मैप आपको मिल जाएगा। तो ये भिन्न भिन्न नदियां जो हैं हमारे इंडिया से बहती हैं, कुछ इंडिया से होकर दूसरे देश में जाती हैं और कुछ दूसरे देश से होकर इंडिया से गुज़रती हैं। तो बच्चों, जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, वो जो है वो ब्रॉडली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे जो नदियां अभी आपको मैप दिखाया था, इसे कुल हम 2 भागों में बांटते हैं, द हिमालयन रिवर सिस्टम और द पेनिनसुला रिवर सिस्टम। इन दोनों रिवर सिस्टम को हम 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करें। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है ड्रेनेज यानी अपवाह किसे कहते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। कोई भी एरिया है उसका जो रिवर सिस्टम है, नदी का जो तंत्र है, उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। दूसरा शब्द आता है ड्रेनेज बेसिन। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन किसे कहते हैं? एक सिंगल रिवर, वो जहाँ से निकल रही है और जहाँ किसी समुद्र में, महासागर में जाकर मिल रही है, उसे हम उसका ड्रेनेज बेसिन एक रिवर का कहेंगे। नेक्स्ट टर्म आती है वाटर डिवाइड, ये भी हमें बीच में यूज़ होने वाली है। वाटर डिवाइड यानी कि वो जगह, वो पर्वत शिखर, जैसे सम्भव कोई एक पर्वत है, इसके ऊपर बारिश हो रही है तो इधर से नदियाँ बनेंगी और वो इधर को फ्लो करेंगी, दूसरी साइड से नदियाँ बहेंगी और दूसरी साइड फ्लो करेंगी, दोनों नदियाँ आपस में मिलेंगी नहीं, एक दूसरे के अपोजिट पैरेलल जो है वो बहती जाएंगी। इसका एक उदाहरण जो है आप सतपुड़ा रेंज को ले सकते हैं, जिसके दोनों साइड एक नर्मदा नदी और एक तापी नदी जो है वो बहती है। नेक्स्ट आता है आपका रिवर सिस्टम। ये क्या चीज़ होती है रिवर सिस्टम? ए रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी मे बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम, नदी तंत्र हम उसे कहेंगे जिसमें से कि एक नदी फ्लो कर रही है और उसके साथ कुछ छोटी छोटी और नदियां भी दोनों साइड से आकर मिलती हैं। ये छोटी छोटी नदियों को हम ट्रिब्यूटरी कहेंगे, सहायक नदियाँ कहते हैं, और ये जो मुख्य नदी है उसके जल में वृद्धि करती हैं। आइए अब कुछ अपवाह के प्रतिरूप को देख लेते हैं, या कुछ पैटर्न्स जो हैं नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। सबसे पहले आता है डेंड्रियाटिक पैटर्न। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि डेंड्रियाटिक जो है, इसमें पेड़ की आकृति के द्वारा जो है के समान चित्र बनता है, तो इसे हम डेंड्रियाटिक पैटर्न कहते हैं। दूसरे में आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न में, कि कोई भी नदी है वो रेक्टेंगुलर जो है एक पैटर्न बनाती है, तो उसे हम रेक्टेंगुलर अपवाह तंत्र कहते हैं। रेडियल में क्या होता है कि जो भी हमारी उच्च भूमि होती है उसमें चारों दिशाओं में एक पहिए के आकार में जो है वो जो है पानी चलता है, तो उसे हम रेडियल पैटर्न कहेंगे। और ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है, ट्रेलिस पैटर्न में कोई भी नदी है वो 90 डिग्री पर आकर जो है मुख्य नदी को मिलती है। तो ये 4 प्रमुख जो है हमारे अपवाह तंत्र होते हैं, जिसमें से जो अलग अलग भू क्षेत्र के अनुसार ये बनाए जाते हैं नदियों के द्वारा। तो बच्चों, जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हो कि रिवर ऑफ इंडिया है, उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हिमालयन रिवर और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। तो जो हमने स्टडी करना है अपने चैप्टर में, वो आता है हमारे पास जो हिमालय की नदियाँ हैं, उसे हम 3 मुख्य भागों में डिवाइड करते हैं।
इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीन जो है हिमालय के मुख्य नदी तंत्र हैं और इसके अंदर इसकी सहायक नदियाँ आएंगी। अगर दूसरी साइड हम देखें प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो इसमें हम पढ़ेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हिमालय नदी तंत्र। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर आर लॉन्ग एंड आर ज्वाइंड बाय मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। कहने का अर्थ यह है कि यह बहुत लंबी नदियां हैं और इसकी बहुत ही जो है सहायक नदियां वो भी लंबी हैं, बड़ी हैं और जो है सारा साल जो है इनमें पानी रहता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि हिमालय नदी तंत्र को हम जो तीन भागों में बांटा हुआ है उसमें हमारे पास जो आ जाता है सिंधु नदी, ये सारा सिंधु नदी का एरिया है। फिर उसके बाद गंगा नदी, ये सारा गंगा नदी का एरिया है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, किस महासागर में जाकर मिलती हैं, इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे। तो बच्चों जो सबसे पहली नदी है हिमालय नदी तंत्र की वो है इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के बारे में हमारे पास है कि इट राइजेज इन तिब्बत, यह तिब्बत से निकलती है मानसरोवर के निकट से। और यह जब अपने स्रोत से निकलती है मानसरोवर के नज़दीक से निकलती है तो यह इंडिया के लेह लद्दाख जो रीजन है वहाँ से एंटर करती है। अब आप सब इससे भली भांति परिचित होंगे कि जो लेह लद्दाख है अब वो भारत का एक राज्य बन गया है। पहले ये जम्मू कश्मीर के अंडर होता था, अब ये राज्य बन गया, इसलिए ये नई जानकारी है, आप लोग इसे भी याद रखें। वहाँ से होती हुई बहती हुई लेह लद्दाख से बहती हुई कुछ एरिया इसमें जम्मू कश्मीर का भी आता है, फिर यह भारत को छोड़ देती है और पाकिस्तान में एंटर करती है। जब ये पाकिस्तान में एंटर करती है तो एक मिथनकोट जगह है, मिथनकोट पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जो लगभग यहाँ कहीं पर है, और उसमें जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदियाँ इंडस की जो है सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये इसकी मुख्य नदियाँ हैं। तो मैं इनके नाम लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे आई फॉर इंडस, जे फॉर झेलम, सी फॉर चेनाब, आर फॉर रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो बेटा आप लोग इसको एक पैटर्न के द्वारा भी या एक फॉर्मूले के द्वारा भी याद रख सकते हो, वो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, आई फॉर इंडिया, जे फॉर जीते, सी फॉर कप, आर फॉर रन, बी फॉर बनाए, एस फॉर सचिन। ये देखिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नदियाँ इसी प्रकार से हैं। अगर आप अपने मैप में देखोगे तो सबसे पहले आई है इंडिया, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये आप कैसे याद कर सकते हो, ये एक फार्मूले के द्वारा याद कर सकते हो। इसमें फार्मूला बनाया गया है इंडिया जीते कप, रन बनाए सचिन। तो आपको बहुत आसानी से इंडस रिवर और उसकी जो है पांच मुख्य सहायक नदियां जो है आप इसमें लर्न कर सकते हो। और फिर ये मिथनकोट में ये पांचों सहायक नदियां इसमें मिलती हैं, उसके बाद यह पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। अरब सागर में मिलने से पहले यह पाकिस्तान के कराची के ईस्ट से फ्लो करती हुई निकलती है, और इसकी जो कुल लंबाई है अरब सागर में गिरने से पहले मानसरोवर लेक से लेकर 2900 किलोमीटर। तो आपने इसकी लंबाई भी याद रखनी है, सभी नदियों की लंबाई और उसकी सहायक नदियां आपने याद रखनी है। तो बच्चों हिमालय की जो अगली मुख्य नदी है वह है हमारी गंगा नदी। तो सबसे पहले इसके डिटेल देखेंगे फिर उसको मैप में हम समझेंगे। तो जो गंगा की कुल लंबाई है यहाँ पर 2500 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो कुल लंबाई है 2525 है, 25 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप याद रखें 2525 जो है इसकी लंबाई आप याद रखेंगे। और बहुत ही लंबी नदी तंत्र है यह, सबसे लंबी नदी। और जो है इसका जो तंत्र है, मतलब कि इसका जो अपवाह तंत्र है वो
सभी नदियों से बड़ा है। मतलब कि हमने अपवाह तंत्र में देखा था कि जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं जो मिलाकर जो तंत्र बनाती हैं उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, यह आपको एक 1 मार्क्स में प्रश्न भी आएगा। तो सबसे पहले यह निकलती कहाँ से है, यह निकलती है हम मैप की सहायता से इसे देखेंगे कि ये कहाँ से निकल। तो बेटा इस मानचित्र की सहायता से हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र कहाँ पर है। तो ये जो गंगा नदी है ये हमारे पास यहाँ से निकलती है, ये जगह है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड के उत्तर में स्थित है यह गंगोत्री ग्लेशियर। जब यह गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से दो मुख्य धाराएं बहती हैं, पहली धारा का नाम है अलकनंदा और दूसरी धारा का नाम है भागीरथी। दोनों धाराएं मिलकर जो है यहाँ कहीं पर देवप्रयाग है, देवप्रयाग में दोनों धाराएं मिलती हैं तब इसका नाम जो है गंगा पड़ता है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर बहती हुई हरिद्वार के निकट जो है, यहाँ कहीं पर हरिद्वार है इसके नज़दीक जो है यह हिमालय को छोड़कर मैदानों में प्रवेश कर जाती है। फिर इसके बाद यह बहती हुई, यहाँ से बहती हुई इलाहाबाद के नज़दीक जो है इसमें यमुना इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी आकर मिलती है। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर बहती हुई फरक्का नामक जगह पर यह भारत को छोड़ देती है और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे कि सुंदरबन डेल्टा भी हम कहते हैं। तो इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी मुख्य जो है सहायक नदी उसका नाम यमुना है। इसके अलावा हम अगर देखेंगे तो उत्तर हिमालय की ओर से यहाँ पर ये दो तीन चार नदियाँ जो है घाघरा गंडक कोसी गोमती ये नदियाँ जो है इसकी मुख्य सहायक नदियाँ मिलती हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार से भी आने वाली नदियाँ इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि चंबल टोंस रिहान ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो इसके अपवाह तंत्र को बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गंगा का जो अपवाह तंत्र है वो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी भी है, इसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। सो बच्चों जो तीसरी मुख्य नदी है हमारी हिमालय नदी तंत्र की वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। सोर्स इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, यह भी तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है, मतलब कि वही स्थान जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। तो हम इस तरह भी कंपैरिजन करके भी याद कर सकते हैं कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का जो उद्गम स्थान है एक ही जगह पर है, तिब्बत में मानसरोवर लेक। उसके बाद यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद यह हिमालय के साथ पैरेलल फ्लो करती हुई एक स्थान है भारत का नामचा वर्मा, एक पर्वत है, उस पर्वत में यू टर्न लेकर इंडिया में एंटर करती है, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और वहाँ पर ये गहरे गॉर्ज भी बनाती है। उसके बाद आसाम से फ्लो करती हुई या फिर बांग्लादेश में एंटर करती है जहाँ गंगा नदी से मिलकर यह जो है जो सबसे बड़ा जो है वो डेल्टा बनाती है। आइए मानचित्र की सहायता से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मानचित्र में आपको ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है, यह मानसरोवर लेक जो है वो तिब्बत में यहाँ से निकलती है जो है पैरेलल फ्लो करती हुई हिमालय के साथ साथ, यहाँ नामचा वर्मा है, यहाँ से यह इंडिया में एंटर करती है, यू टर्न लेकर इंडिया में एंटर करती है, यहाँ इसे दिबंग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। फिर यह यहाँ पर आसाम है, आसाम से बहती हुई यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ दिबंग लोहित मनास तिस्ता धारला ये इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आकर मिलती हैं उत्तर और दक्षिण दिशा से। और फिर यहाँ से ये जो है भारत को छोड़कर जो है बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। इसकी सब बहुत सारी मुख्य विशेषता इस नदी की वह यह कि जब यह तिब्बत में फ्लो करती है, जब तिब्बत में बहती है तो यह बिल्कुल शुष्क होती है, इसमें कोई गाद मिट्टी या कुछ नहीं होता क्योंकि वो जो है पठार से फ्लो करती है। जैसे ही यह नामचा वर्मा से यू टर्न लेकर इंडिया में एंटर करती है तब इसमें बहुत सारा गाद मिट्टी और पत्थर कंकड़ ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और यह जो है नदी हर साल भारत में जो है आसाम राज्य में बाढ़ लाती है, हर साल
जो हमारे एकमात्र जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज वन हॉर्न रैनो, एक सींग वाला गैंडा है, वो यहीं पाया जाता है आसाम में। हर साल जो है इनकी प्राकृतिक रूप में मृत्यु हो जाती है इसी बाढ़ के पानी में बहने के कारण। तो यह हमारे पास जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है जानकारी इस नदी से रिलेटेड। एक और जानकारी है कि इस नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी स्थित है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। उसका नाम है, क्या है बच्चों उसका नाम? यह आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट करिए उसका नाम। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं सबसे बड़ा नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है वो कौन सा है। तो अगले चैप्टर में अगला पोर्शन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका पढ़ेंगे। धन्यवाद।